वेलकम टू माई चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूँ श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं एक और नवरात्रि स्पेशल डिश लेके आई हूँ जो है चटपटा मसाला पनीर बनाना विदाउट अनियन एंड गार्लिक। ये बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी होता है और विद इन 10 मिनट्स बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसे बनाते हैं। तो मैंने पैन रखा है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। हमें मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। 1 टीस्पून जीरा डाला है मैंने। जब हमारा जीरा पक जाएगा तो मैं इसमें 2 टमाटर प्यूरे डालूंगी। तो 2 टमाटर को मैंने पीस लिया है। हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है तो इसे चलाते हुए पकाएंगे हम 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट हो चुका है, हमारा टोमेटोस पक चुका है। अब मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करना है। 1 टेबलस्पून चिली पाउडर ऐड करना है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है। अब इसे मिक्स कर लेना है थोड़ा सा पानी डालकर। तो मैंने इसमें 1/2 कप के बराबर पानी डाला है। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक हमारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट। तो अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा मसाला पक चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें 200 ग्राम पनीर ऐड करूंगी। तो 200 ग्राम पनीर मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये फ्रेश होममेड पनीर है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर मलाई ऐड करूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें सॉल्ट एज पर टेस्ट डालूंगी। ग्रीन चिलीज ऐड करना है तो 3 से 4 ग्रीन चिलीज मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूंगी। तो आप कम या ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसे ढककर पकाना है हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा पनीर बनकर रेडी है, चटपटा मसाला पनीर। इसमें धनिया पत्ता ऐड किया है मैंने। अब इसे मिक्स कर लेना है। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।